हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो ये मॉडर्न स्टील मेकिंग का छठवां वीडियो है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखा है मॉडर्न स्टील मेकिंग का। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे मॉडर्न स्टील मेकिंग करके एक अलग से पूरा फोल्डर बना हुआ है। वहाँ पर आपको पूरे 5ों लेक्चर सभी मिल जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपसे कि वो 5 लेक्चर पहले देख लें, उसके बाद ये वाला लेक्चर आप देखें, तो आपको पूरा स्टील मेकिंग जो है शुरू से आखिर तक समझ में आ जाएगा। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंटिन्यूअस कास्टिंग के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ लिया है प्राइमरी स्टील मेकिंग के बारे में, फिर सेकेंडरी स्टील मेकिंग में पढ़ लिया हमने। सेकेंडरी स्टील मेकिंग में हमने डिगैसिंग तक पढ़ा है, क्योंकि डिगैसिंग प्रोसेस जो है ना वो सबसे आखिरी स्टेप होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्टील मेकिंग का। और उसके बाद डिगैसिंग के बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, कास्ट करते हैं प्रॉपर शेप में, ठीक है। कास्टिंग के बाद फिर वो रोलिंग और फोर्जिंग होता है, उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है हम उसको वो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस कास्टिंग को पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस कास्टिंग से पहले थोड़ा सा आप इंगट कास्टिंग के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जब कंटिन्यूअस कास्टिंग नहीं आया था उससे पहले इंगट कास्टिंग होता था। तो इंगट कास्टिंग में क्या होता था, इसमें एक मोल्ड होते थे, ठीक है, मोल्ड होता था इस तरह से। मतलब यहाँ पे देखो ये लैडर्स इसमें डाल रहे हैं मोल्ड में, ये 3-4 आपको दिख रहा होगा, ये मोल्ड होता है, एक सिंगल सिंगल मोल्ड होता था, ठीक है। जैसे आप फ्रिज में बर्फ़ जमाते हो ना, तो उसमें मोल्ड होता है ना, वो सिंगल मोल्ड होता है। आप उसमें पानी एक ही बार डाल सकते हो, उसके बाद उसको आपको बर्फ़ जमाने के लिए फ्रिज में रख देना पड़ता है, फिर कुछ समय बाद उसमें बर्फ़ जम जाता है। वैसे इंगट कास्टिंग क्या होता था, ऐसे मोल्ड होता था, है ना। उसमें हम मेटल को जो अपना स्टील बन चुका है उसको डाल देते थे और छोड़ देते थे, कुछ समय बाद ये सॉलिडिफाई हो जाता था, फिर इसमें मोल्ड से इसको बाद में निकाल लिया जाता था, है ना। तो ये होता था इंगट कास्टिंग। तो इंगट का साइज़ जो है ना काफ़ी बड़ा बड़ा होता था, बहुत हीवी साइज़ का इंगट बनता था। फिर हम उसको रोलिंग फोर्जिंग वगैरह रोलिंग कर करके हम उसको बिलेट ब्लूम और स्लैब में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। तो ये क्या था, बहुत ही मतलब लंबा चौड़ा प्रोसेस था कि आप पहले इंगट बनाओ, ठीक है। इंगट बनने के बाद उसके बाद फिर से उसको गर्म करो, गर्म करने के बाद बहुत ही हीवी रोलिंग मिल्स होते थे जो इंगट को बिलेट और ब्लूम और स्लैब में कन्वर्ट करते थे, है ना। तो इससे क्या है, पैसे भी बहुत लगते थे। एक तो उसको वापस से आपको गर्म करना है रीहीटिंग फर्नेस में, ठीक है। उसके बाद फिर उसको रोलिंग करोगे, उसके लिए बड़े बड़े मिल्स लगते थे, मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती थी, तब जाके आपका बिलेट ब्लूम बनता था, है ना। तो कंटिन्यूस कास्टिंग में क्या होता है, कंटिन्यूस कास्टिंग का ये फ़ायदा हो गया है कि हम डायरेक्टली कंटिन्यूस कास्टिंग से बिलेट ब्लूम और स्लैब बना सकते हैं। अब देखिए बिलेट ब्लूम स्लैब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आगे बताऊंगा वो होता क्या है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बिलेट ब्लूम और स्लैब प्रोड्यूस करते हैं, है ना। और जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कंटिन्यूस, है ना, नाम से आपको क्या पता चल रहा है, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली मेटल जो है वो कास्ट होता है। हम देखेंगे क्या होता है प्रोसीजर, इसका नाम ही है कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस। तो सीधे मैं आपको डायग्राम में ले चलता हूँ। ये देखिए जो इंगट कास्टिंग होता था ना, इस तरीके से होता था। इसमें ये आपका देखिए मोल्ड है, ये आपका परमानेंट मोल्ड हो गया, ठीक है। इसमें हमने लिक्विड को डाल दिया, लिक्विड मेटल को, फिर इसमें डाल के छोड़ दिया, ठीक है, डाल के छोड़ दिया। उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता था, ये अपने आप सॉलिडिफाई हो जाता था, है ना। ये कंटिन्यूस कास्टिंग को बता रहा है। इस डायग्राम को हम बाद में समझेंगे थोड़ा सा, है ना, बाद में आएंगे इस डायग्राम में, अभी आगे देखते हैं। देखिए कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन यहाँ पे आप देखिए, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन जो है ना 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वर्टिकल, ये देखिए ये पहला वाला जो दिखा रहा है ना वो वर्टिकल है, ठीक है, इसको वर्टिकल कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन बोलते हैं। ये जो सेकंड वाला है ना इसको बोलते हैं कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन, जो कि स्टील के कास्टिंग के यूज़ होता है, ठीक है। और ये वर्टिकल वाला एलुमिनियम के लिए होता है, और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूस कास्टिंग, इसके अलावा स्ट्रिप कास्टिंग होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ये है यूज़ करते हैं। जैसे जो एलुमिनियम होता है ना उसका वर्टिकल होता है, क्योंकि देखिए एलुमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है ना, 660 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको जब मोल्ड में डालते हैं तो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है ना, जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसको आप वर्टिकली ही नीचे ला के ऐसे सीधे इसको ऐसे काट सकते हो, क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो चुका है नीचे आते तक, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका वर्टिकल बना सकते हो। लेकिन स्टील में क्या होता है, स्टील का जो है मेल्टिंग पॉइंट, स्टील में जो टेम्परेचर हम इसे फीड करते हैं, है ना, जो कास्टर में डालते हैं वो 1650 होता है। तो 1650 डिग्री सेल्सियस का जो मेटल है ना, उसको सॉलिडिफाई होने में बहुत समय लगता है। वो यहाँ पे जाके सॉलिडिफाई होता है, देखिए यहाँ पे आप डाल रहे हो, यहाँ पे जाके सॉलिडिफाई हो, मतलब इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल लेंथ, ठीक है। इस यहाँ से लेकर के जहाँ तक मेटल 100% सॉलिडिफाई हो रहा है ना, तो इस कर्व्ड लाइन को बोलते हैं मेटलर्जिकल लेंथ, है ना। तो अब देखो
मेटल को काटने से पहले, आपका जो कास्ट प्रोडक्ट है उसको काटने से पहले मेटलर्जिकल लेंथ को पार करना पड़ेगा। मतलब मेटलर्जिकल लेंथ के पहले आप मेटल को नहीं काट सकते, है ना, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरीके से सॉलिडिफाई नहीं हुआ है। तो स्टील का जो मेटलर्जिकल लेंथ है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो अगर आप इसका ऐसे वर्टिकल मशीन बनाओगे ना तो इसको बहुत ऊपर बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन को बहुत हाइट में रखना पड़ेगा, इस लैडर को बहुत ज़्यादा हाइट में रखना पड़ेगा, तो ऐसे में आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम आएगा, है ना, ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस तरह से कर्व्ड शेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये जनरली कॉपर के लिए यूज़ होता है। तो देखिए हम यहाँ पे टोटली फोकस करने वाले हैं अपना ये वाले पे स्टील का, क्योंकि हम स्टील बेकिंग पढ़ रहे हैं, तो स्टील का कंटिन्यूस कास्टिंग कैसे होता है उस पर हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम सीधे उसी डायग्राम में पहुँचते हैं, सीधा मैं आपको डायग्राम से ही बता देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन का एक बहुत अच्छा एक और बहुत ही सिंपल डायग्राम है, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए मैं आपको यहाँ से पूरा डिटेलिंग आपको दे दूंगा, मतलब यहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर आपको समझा दूंगा बहुत ही आसान भाषा में, उसके बाद हम इसके डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डिटेलिंग में एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्या होता है, आपका सेकेंडरी स्टील मेकिंग में डिगैसिंग प्रोसेस जो है वो लास्ट होता है ना, तो हमने डिगैसिंग कर लिया, अब मेटल जो है कास्ट के लिए रेडी है, तो उसको फिर लाया जाता है आपका ये कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन में, ठीक है। तो ये आपका ये क्या दिख रहा है लैडर, ये लैडर कहाँ से आया है, ये आपका है सेकेंडरी स्टील मेकिंग से, ठीक है। तो ये लैडर रहता है, देखिए इसके साथ साथ इस डायग्राम में नहीं दिखे हैं इसके, ये ना टरेट के ऊपर रखा होता है, इसको बोलते हैं टरेट, ऐसा ऐसा करके ये रहता है, इसके दूसरी तरफ भी एक लैडर लगा होता है, ठीक है, इस तरफ भी एक ऐसे लैडर रखा होता है ना, और इसको बोलते हैं टरेट, ये जो है ना ऐसे जो नीचे में उसको बोलते हैं टरेट। तो इस तरीके से दो लैडर इसमें रखे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए पहला ये वाला अभी लैडर क्या कर रहा है, मेटल सप्लाई कर रहा है अभी, ठीक है। तो जब ये लैडल आपका ख़त्म हो जाएगा, इस लैडल में जो है स्टील ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये टरेट जो है ऐसे घूम के, ये टरेट ऐसे 180 डिग्री घूम जाएगा, और फिर ये वाला जो लैडल है जिसमें मेटल भी भरा हुआ है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और खाली लैडल किधर चला जाएगा, इधर, ठीक है। फिर एक खाली लैडल को यहाँ से हटा के फिर से एक भरा हुआ लैडल यहाँ पर ला के रख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये क्या है, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस है, तो आपको प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलाते रहना है ना। तो लैडल जब आप चेंज करोगे ना उस समय भी आपका जो प्रोसेस है कास्टिंग जो प्रोसेस है वो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए एक लैडल तैयार करके आपको रखना पड़ेगा पहले से, ठीक है। एक लैडल के ख़त्म होने से पहले दूसरा लैडल तैयार रहना चाहिए, ओके। इसको बोलते हैं टरेट, ठीक है, ये घूम सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं, अब ये आपका लैडल है, ठीक है। अब लैडल में आपको क्या है, मोल्टन स्टील है जो पूरा कास्टिंग रेडी है। अब ये मोल्टन स्टील में से अब मेटल आपका जा रहा है टंडिश में, ये आपको जो दिख रहा है वो टंडिश है, ठीक है। तो टंडिश में जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये देखो ये यहाँ पे जो ये दिया गया है ना ये नल, ये जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं श्राउड, क्या बोलते हैं इसको, श्राउड, ठीक है। ये श्राउड क्या है, रिफ्रैक्ट्री बना हुआ एक पाइप ही है समझ लो, ठीक है, इसको बोलते हैं श्राउड। ये देखो ये जो श्राउड है ना इसका जो एक हिस्सा ये पूरे टंडिश में जो मेटल है ना इसके अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। इसका जो सबसे निचला पार्ट है ना वो ऊपर नहीं है, ये मोल्डन मेटल के अंदर ही है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आपने पूरा स्टील बना लिया है, वो कास्टिंग के लिए रेडी है ना। तो अगर किसी भी टाइम पे ये मोल्टन स्टील अगर बाहर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो इसमें क्या जा सकता है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या है, H2O है, H2O से जो हाइड्रोजन है वो तीनों चीज़, मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों चीज़ मोल्टन स्टील के अंदर जा सकता है, क्योंकि वो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर ये तीनों चीज़ अगर इसके अंदर जाता है तो ये स्टील की क्वालिटी को ख़राब करता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिगैसिंग के थ्रू इतना मेहनत करके ये सारे गैसेस को बाहर निकाला है। तो अगर आप इस एटमॉस्फेयर से नहीं बचाते हो तो आपने जो पहले जितना भी काम किया है ना उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको हर जगह एटमॉस्फेयर से बचा के रखते हैं, है ना। तो ये मोल्टन स्टील जो लैडल होता है ना, मोल्टन स्टील इसके ऊपर भी एक कवर दे के रखते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल आता है कवर करने के लिए, मोल्टन स्टील के ऊपर को कवर करके रखते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए। इसीलिए जो श्राउड बता रहा हूँ ना, ये श्राउड क्या है, टंडिश में जो मेटल है इसके अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर रहेगा ना तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पिकअप कर लेगा बाहर से, ठीक है। अभी आ गया मेटल आपका टंडिश में, ठीक है। अब टंडिश से कहाँ पर जा रहा है ये, अब टंडिश से जा रहा है ये मोल्ड में, ये यहाँ पर दिख रहा है मोल्ड जो आपका ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो है मोल्ड। अब देखिए, अब आप एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हम जो मोल्टन स्टील है उसको लैडर से सीधे मोल्ड में क्यों नहीं डाल रहे हैं, है ना, ये बीच में टंडिश का क्या काम है,
तो देखिए टंडिश के बहुत सारे फंक्शन हैं। टंडिश क्या करता है, जब आप लैडर जब चेंज करोगे ना, लैडर जब आप चेंज करोगे उस समय, तो ये चेंज करते समय ये लैडर तो आपको ये मोल्ड को मेटल प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, है ना, उस समय। तो उस समय कौन प्रोवाइड करते रहता है, टंडिश। तो टंडिश एक तरह से रिजर्वायर का काम करता है, है ना, ठीक है। ये जब हम इसको चेंज करते हैं लैडर को, तो उस समय यही होता है जो मोल्ड को मेटल प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टंडिश के ऊपर भी एक मटेरियल हम डाल के रखते हैं इसके सरफेस में, वो क्या करता है, जो इंक्लूजन जो होते हैं ना, जो जैसे कि सिलिका है, एलुमिना है, वो सबको अट्रैक्ट करता है और ऊपर सरफेस में लेके आता है, इंक्लूजन रिमूवल का भी काम करता है ये, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप लैडर से डायरेक्टली मोल्ड में डालोगे तो लैडर में क्या है, मेटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लैडर से सीधा मोल्ड में डालोगे ना, तो वहाँ पर टर्बुलेंस क्रिएट होता है, ठीक है। आप लोग ही देखोगे किसी नल में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी आ रहा होगा तो नल खोलोगे तो क्या होगा, पानी क्या होता है, बहुत ही टर्बुलेंस के साथ आता है, ठीक है। तो अगर टर्बुलेंस के साथ वो आएगा मोल्ड में, उसी टर्बुलेंस के साथ मोल्ड में अगर मेटल जाएगा तो वो कास्टिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पहले टंडिश में जाता है, टंडिश क्या करता है, स्मूथ फ्लो देता है। टंडिश जब मोल्ड में जाता है ना मेटल, तो स्मूथ फ्लो के साथ जाता है, ठीक है। इसके अलावा टंडिश में हम कंट्रोल कर सकते हैं मेटल के फ्लो को, ठीक है। टंडिश से जब हम मोल्ड में भेजेंगे मेटल को, तो कंट्रोल करने का वहाँ पे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो हम कंट्रोल्ड वे में मोल्ड में मेटल को भेजते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है टंडिश के फंक्शन हैं, आगे भी थोड़ा बहुत और देखेंगे। तो आप देखिए टंडिश में मेटल आपका पहुँच गया है, अब टंडिश से किस में जाना है, मोल्ड में। तो मोल्ड में जाने के लिए यहाँ पर देखो एक और पाइप जैसा आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये पाइप जैसे आपको दिख रहा होगा, ये भी रिफ्रैक्ट्री का ही बना होता है, इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड एंट्री नोजल, ठीक है, सबमर्ज्ड एंट्री नोजल, याद कर लीजिए, कई जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं, है ना। तो ये सबमर्ज क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका भी जो नीचे का जो पार्ट है ना, वो मोल्डन मेटल के अंदर सबमर्ज है, मतलब अंदर है, ठीक है। एंट्री नोजल मतलब ये सबमर्ज है अंदर और मेटल की एंट्री करा रहा है, ठीक है, और ये नोजल है, तो इसको सबमर्ज एंट्री नोजल बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो है मोल्ड। तो मोल्ड आपका बना होता है कॉपर का, ठीक है, कॉपर का मोल्ड बना होता है, ये कम्प्लीटली हॉलो होता है। अगर ये टू डायमेंशन में है, थ्री डायमेंशन में अगर आप देखोगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से दिखेगा ये। और इसमें क्या होती है ना, दो लेयर होते हैं, ऐसे दो लेयर क्यों होते हैं, ये क्या होता है, ये जो मोल्ड होता है कॉपर का बना होता है और वाटर कूल्ड होता है, ठीक है। मतलब इसके आउटर में, मतलब इसके आउटर जैसे इस वाले रीजन में, आउटर में क्या होता है, वाटर लगातार फ्लो होते रहता है, एक तरफ से आपका कोल्ड वाटर आएगा, दूसरी तरफ से वही वाटर यहाँ से, मतलब यहाँ से जो हीट है उसको लेके हॉट वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या होता है, इसके आउटर में पूरा वाटर फ्लो होते रहता है, ठीक है, और इसके अंदर में हम क्या कर रहे हैं, मेटल को डाल रहे हैं। तो ये मोल्ड जो बना होता है वो वाटर कूल्ड होता है, है ना, और कॉपर का बना होता है। और कॉपर के ऊपर भी ना निकिल और क्रोमियम का एक थोड़ा सा परत चढ़ा रहता है इसमें, निकिल और क्रोमियम का, ठीक है, एक लेयर रहता है जो उसको क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, निकिल और क्रोमियम का जो लेयर है। नहीं तो क्या होगा, कॉपर जो है ना मेल्ट होकर आपका मेटल में आ सकता है, ठीक है। तो वाटर कूल्ड होने के कारण ही और ये जो कॉपर है वो भी मेल्ट नहीं होता है, दो रीज़न के कारण मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये क्या है, वाटर कूल्ड होता है, ठीक है, दूसरा क्या है, निकिल और क्रोमियम का इसमें एक परत चढ़ा होता है, है ना। ये मोल्ड की साइज़ क्या होगी, ठीक है, मोल्ड का एक्चुअली में लेंथ क्या होगा, है ना। देखो साइज़ जो है, ये जो क्रॉस सेक्शनल साइज़ है वो तो डिपेंड करता है आपका कास्ट का, कि आप प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हो, है ना, बिलेट बना रहे हो, ब्लूम बना रहे हो, स्लैब बना रहे हो, लेकिन इसका जो लेंथ होता है ना, मोल्ड का जो लेंथ, वो डिपेंड करता है कि आपकी कास्टिंग की स्पीड क्या है और इसका ये सेक्शन का साइज़ क्या है, है ना। जितना बड़े साइज़ का आप कास्टिंग करोगे, जितने बड़े साइज़ की कास्टिंग करोगे, जैसे इस साइज़ की कास्टिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, मोल्ड थोड़ा लेंथ जो है वो थोड़ा छोटा होगा। अगर बड़े साइज़ की कास्टिंग कर रहे हो, मान लीजिए इतना बड़ा मोटा है, तो आपका जो क्या है, जो मोल्ड का जो लेंथ है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो मोल्ड का लेंथ किस पे डिपेंड करता है, उसके थिकनेस पे, है ना, क्योंकि थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उसको सॉलिडिफाई होने में उतना ज़्यादा समय लगेगा, तो लेंथ बड़ा होगा तभी आप उतना समय दे पाओगे। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो कास्टिंग स्पीड में, कितने स्पीड से आप वहाँ से जो कास्ट जो है ना उसको खींच रहे हो आप, जो कितने स्पीड से जो है आपका कास्ट होकर मेटल निकल रहा है, और किस साइज़ का है, ठीक है, है ना, किस साइज़ का आप कास्टिंग कर रहे हो, ये दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज़्यादा है और मोल्ड का सेक्शन साइज़ ज़्यादा है, तो उसमें लेंथ को भी आप, लेंथ जो है ना मोल्ड का, वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब देखिए मोल्ड करता क्या है, जैसे ये मोल्ड में पहुँचता है,
आपका मेटल क्या होगा, जैसे ही मोल्ड में पहुंचेगा ना, तो मोल्ड में एक्चुअली में क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा होगा पूरा, है ना, और इसके बगल में आपको रेड रेड कलर का लेयर दिख रहा होगा आउटर में, और बीच में येलो कलर दिख रहा होगा। तो ये जो येलो कलर है ना वो लिक्विड स्टील को इंडिकेट कर रहा है ना, और ये जो रेड कलर है ना वो सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है कि वो सॉलिडिफाई हो चुका है। रेड किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉलिड को, येलो किसको इंडिकेट कर रहा है आपका, लिक्विड को, ठीक है। तो आप देख सकते होगे मोल्ड से जब ये आपका स्टील जब बाहर निकल रहा है तो ये पूरा 100% सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, अंदर अभी भी लिक्विड है, लेकिन आउटर में क्या हुआ है, एक सॉलिड सरफेस बन चुका है, ठीक है, मतलब एक सॉलिड का शील बन चुका है बाहर में, एक सॉलिड का ऊपर में सरफेस बन चुका है, लेकिन अंदर अभी भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो मोल्ड के अंदर 100% सॉलिडिफाई नहीं हो रहा, केवल सॉलिड का एक शील बन रहा है। जैसे आप मान लीजिए पानी के बॉटल में, अगर आप पानी के बॉटल लेके आप फ्रिज में रख देते हो, ठीक है, तो फ्रिज में जब आप रखोगे तो देखना, पहले जो बॉटल का जो दीवार साइड होता है ना उसमें पहले बर्फ जमता है, ठीक है, लेकिन अंदर भी लिक्विड ही रहता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम पानी के बॉटल को बहुत टाइम तक फ्रिज में छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि जो बॉटल के ऊपर में ही, मतलब बॉटल के दीवार के आसपास ही बर्फ जगह है, जमा है, लेकिन जो बीच में जो है वो अभी भी पानी है, वो 100% बर्फ नहीं जम पाया है। उसी तरीके से क्या होता है, आउटर में सॉलिड का शेल होता है लेकिन अंदर अभी भी लिक्विड होता है, ठीक है। तो मोल्ड का काम केवल इतना है कि एक सॉलिड शेल बना के देना है ना, और वो सॉलिड शेल का थिकनेस इतना होना चाहिए कि वो लिक्विड, अंदर में जो लिक्विड भरा हुआ है ना उसके वजन को सहन कर सके, ठीक है। अगर सॉलिड शेल बहुत पतला सॉलिड शेल बना तो अंदर में जो लिक्विड है उसके वेट को सहन नहीं कर पाएगा और वो बस्ट हो जाएगा। बस्ट मतलब लिक्विड जो है सॉलिड शेल को तोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, लिक्विड, इसको पंचर बोलते हैं, मतलब ये आपका कास्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा, लिक्विड आपका बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। तो अच्छे साइज़ का यहाँ पे सॉलिड शेल बनना चाहिए, ठीक ठाक साइज़ का। अब देखिए उसके बाद ये यहाँ पे क्या लगे होते हैं, रोलर्स लगे होते हैं। ये रोलर्स क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है सपोर्ट रोलर, क्योंकि सपोर्ट देना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड शेल बनता है, अंदर अभी भी लिक्विड है, तो उसको सपोर्ट देना पड़ेगा आपको। तो ये सपोर्ट लेयर लगे होते हैं, सपोर्ट रोल लगे होते हैं जो उसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहीं आसपास देखो सपोर्ट रोल के बीच बीच में ना वाटर का स्प्रे किया जाता है, दो सपोर्ट रोल के बीच में ना वाटर स्प्रे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही हाई स्पीड में वाटर को स्प्रे कराते रहते हैं। ये वाटर स्प्रे क्यों करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी सॉलिडिफाई हो अंदर तक, क्योंकि अंदर तो सॉलिडिफाई हुआ नहीं है, तो इसलिए वाटर का स्प्रे दिया जाता है ताकि अंदर तक वो जल्दी से जल्दी सॉलिडिफाई हो सके। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कूलिंग। तो यहाँ पे वाटर स्प्रे देते ना उसको बोलते हैं सेकेंडरी कूलिंग, और ये जो मोल्ड में जो कूलिंग हो रहा है ना उसको बोलते हैं प्राइमरी कूलिंग, ठीक है। मोल्ड में जो कूलिंग हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी कूलिंग, और यहाँ पे जो वाटर स्प्रे दे रहे हैं ना उसको बोलेंगे सेकेंडरी कूलिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सपोर्टिंग रोलर के बाद आता है बेंडिंग रोलर्स। ये बेंडिंग रोलर्स क्या करते हैं, इसको ना बेंड करते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका वर्टिकल है, आपको इसको क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए बेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ रोलर जो है किसको क्या काम करते हैं, बेंड करने का काम करते हैं, इसको ये बेंड करता है इसको ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपका बेंडिंग रोलर के बाद स्ट्रेटनिंग रोलर होता है, जो इसको स्ट्रेट प्रोवाइड करता है ना, ये यहाँ पे रोलर ये बेंड हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटनिंग रोलर होता है जो इसको क्या करता है, उसको स्ट्रेटनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब इसको स्ट्रेट करता है ना। तो यही यहाँ पे जो रोलर लगे होते हैं ना, ये सब रोलर ही क्या करते हैं, जो इस साइड में नीचे साइड जो रोलर लगे हैं वही जो है कास्टिंग स्पीड को आपका कंट्रोल करते हैं, है ना। इस ये जो रोलर है यही इसको खींचने का काम कर रहा है। जो नीचे के रोलर जो होते हैं ना वो आपका जो भी प्रोडक्ट निकल रहा है उसको खींचने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो रोलर लगे हैं इसकी स्पीड को बढ़ाओगे ना तो एक्चुअली में कास्टिंग स्पीड बढ़ेगा, इसको स्लो करोगे तो कास्टिंग स्पीड क्या है, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कास्टिंग स्पीड बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कास्टिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए, सब चीज़ों को मैच करना चाहिए, ठीक है। कास्टिंग स्पीड बहुत ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड शेल नहीं बन पाएगा, तो यहाँ से सीधा लिक्विड बाहर आ जाएगा, है ना। कास्टिंग स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रखोगे तो ये प्रॉब्लम, अगर स्लो रखोगे एक्चुअली में ना तो आपका जो क्या बोलते हैं प्रोडक्टिविटी वो कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्लोली आप क्या कर रहे हो, कास्टिंग कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या होता है, ये आपको पूरा आपका जो कास्टिंग प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेट, हो गया सीधा, हो गया। उसके बाद ये यहाँ तक मेटलर्जिकल लेंथ है। अभी मैंने बताया था कि जो मोल्ड में जो मेटल का लेवल है ना मोल्ड के अंदर, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। मोल्ड के अंदर जो मेटल का लेवल होता है ना उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो मेनिस्कस से लेके जहाँ तक मेटल 100% सॉलिडिफाई हो रहा है उस लेंथ को, ये जो कर्व लेंथ है ना इसको बोलते हैं मेटलर्जिकल लेंथ, ठीक है। तो मेटलर्जिकल लेंथ से पहले आप काट नहीं सकते हो इसको, क्योंकि वहाँ पे अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो क्या होता है, ये मेटलर्जिकल लेंथ के बाद तो 100% सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद आप कभी भी इसको प्रॉपर साइज़ में जो भी रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है 8 मीटर 10 मीटर जो भी साइज़ में होता है, इसको फिर काट लिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, काटने के लिए आपका गैस कटर या फिर मैकेनिकल कटर होते हैं, उसके थ्रू इसको प्रॉपर साइज़ में काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा कास्टिंग का ओवरऑल आपको पिक्चर मैंने बता दिया है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हम इसको और डिटेल से देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें एक और टर्म है कास्टिंग रेडियस का। तो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व का जो ये कर्व है या जो आर्क यहाँ पे बन रहा है, ये आर्क को अगर मैं फुल अगर एक सर्कल बना दूँ तो इसका जो रेडियस होगा इसी को बोलते हैं कास्टिंग रेडियस। ठीक है, या ये कर्व है ना, ये कर्व का जो रेडियस है ना सिंपली, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कास्टिंग रेडियस। ठीक है, और ये जो मोल्ड है ना, मोल्ड भी जो है एकदम स्ट्रेट नहीं होता है। ये जो मोल्ड यहाँ पे एकदम स्ट्रेट दिखाया रहता है ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है। ये मोल्ड भी ना थोड़ा सा क्या होता है, उस कर्व का पार्ट होता है। ऐसे मोल्ड जो है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं रहता है, बट ये थोड़ा सा कर्व शेप का रहता है जो मोल्ड है आपका। ठीक है, कर्व शेप का क्यों है, कर्व शेप का क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसको आपका प्रोसेस ही क्या है, कर्व कंटिन्यूस कास्टिंग है। तो जब मोल्ड कर्व से कर्व पार्ट में होता है ना, तो इसको बाद में बेंडिंग करना आसान होता है, क्योंकि ये यहीं से जब मोल्ड से निकल रहा था, थोड़ा सा बेंड होकर निकल रहा है, तो इसको बेंड करने में फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि आप बेंड करने में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगा सकते हैं। आपका जो कास्ट प्रोडक्ट जो निकल रहा है, अगर यहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, है ना, इस पोर्शन में ज़्यादा प्रेशर लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना अंदर अभी भी लिक्विड भरा हुआ है, ऊपर केवल सॉलिड शेल है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को डिटेल से और समझ लेते हैं एक एक पार्ट को। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शुरुआत कैसे करते हैं, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस की शुरुआत हम करते कैसे हैं, क्योंकि इसको जो शुरू करना वो थोड़ा सा टफ काम है, क्योंकि अब एक बार अगर शुरू हो जाता है कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको शुरू करने में थोड़ा सा मेहनत है। देखिए, शुरू करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, शुरू करने के लिए एक होता है डमी बार, ये जो दिख रहा है ना ऐसे, ये जो बड़ा सा ऐसे ये होता है, ये डमी बार होता है ये। ठीक है, ये पूरा लोहे का ही बना होता है, स्टील का बना होता है। ये क्या होता है, इसके ये डमी बार है, ये लोहे का ही बना है। यहाँ पे ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। अब देखिए, आपका ये मोल्ड है मान लो, ठीक है, तो अगर आप शुरुआत में इसमें मेटल अगर डालोगे तो क्या होगा, मेटल तो आपका आर पार निकल जाएगा पूरा, ऊपर से डालोगे नीचे से निकल जाएगा, क्योंकि नीचे तो कोई सपोर्ट नहीं शुरुआत में, है ना। तो ये डमी बार ही क्या करता है, ये नीचे मोल्ड के नीचे क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये ऐसे। ठीक है, इसके अंदर चला जाता है मोल्ड के अंदर, तो ये नीचे क्या करता है, नीचे एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, है ना। तो डमी बार को ला दिए यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्टली मेटल को नहीं डालते हैं, मेटल को लिक्विड मेटल को डायरेक्टली डालते हैं। इससे पहले क्या करते हैं, इसमें ना कुछ जो स्क्रैप जो होते हैं मेटल के स्क्रैप, छोटे छोटे साइज़ के, कील के साइज़ का जो कील आता है ना, कील के साइज़ का जो छोटा छोटा स्क्रैप होता है ना, उसको पहले, जैसे ये मोल्ड है, ये आ गया नीचे डमी बार, ठीक है, तो इसमें पहले छोटे छोटे कील के साइज़ के स्क्रैप डाला जाता है। ठीक है, ये क्यों डालते हैं, क्योंकि देखो जैसे ही लिक्विड मेटल को आप इसके अंदर डालोगे तो उससे क्या होगा, लिक्विड मेटल जैसे ही इस स्क्रैप के कॉन्टैक्ट में आएगा वो तुरंत ठंडा हो जाएगा, तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं डालोगे ना तो डमी बार को पिघला देगा आपका जो मेटल है। ठीक है, तो ये स्क्रैप डाला जाता है, इससे लिक्विड मेटल के जैसे ही आप डालोगे क्या होता है, लिक्विड मेटल के नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, है ना, ये जल्दी सॉलिडिफाई। उसके बाद इसके बाद जब ये सॉलिडिफाई हो गया यहाँ पे, फिर ये डमी बार को क्या करते हैं, ये डमी बार जो है ना मोटर से कनेक्ट होता है, ये मोटर से कनेक्ट होता है, ये डमी बार फिर वापस आता है ऐसे। तो ये जब वापस आता है डमी बार, तो अपने साथ जो है ना जो लिक्विड मेटल जो सॉलिडिफाई हो गया है उसको लेते हुए अपने साथ ऐसे वापस आता है। ठीक है, तो डमी बार जब वापस आता था उसी समय आप मेटल के फ्लो को कंटिन्यूसली बना के आप रखते हो, है ना। मतलब डमी बार ही क्या कर रहा है, कंटिन्यूस कास्टिंग की शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो ये डमी बार क्या करता है, उसको लेके आता है ऊपर की ओर ऐसे, ये फिर डमी बार आपका ऊपर चला जाता है, फिर ये डमी बार जब यहाँ पे पहुँचता है ना, तो यहाँ पे डमी बार को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे मेटल को काट के और डमी बार दोनों को अलग कर लेते हैं, तो डमी बार आपका इधर ऊपर चला जाता है और आपका जो कास्ट प्रोडक्ट है ना वो इधर चला जाता है, फिर इधर इसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे, मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया है, इसको मैं बता ही देता हूँ। ये जो मोल्ड होता है ना, ये जो मोल्ड होता है वो अपनी ये एकदम, मतलब ऐसा नहीं होता है कि सीधा एक जगह पे खड़ा हुआ है, ये मोल्ड जो है ना ऑस्किलेट करते रहता है, है ना। ऑस्किलेट कैसे करेगा, ये जो मान लीजिए मोल्ड है, ये मोल्ड है, ये ऊपर नीचे ऑस्किलेट करता है। ठीक है, ऑस्किलेट क्या बोल सकते हो आपकी भाषा में, वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे इसको, ऑस्किलेट बोलेंगे, है ना। इस तरीके से थोड़ा ऊपर मूव करेगा, फिर नीचे मूव करेगा, बहुत स्पीड में ऊपर नीचे मूव करते रहता है। ठीक है,
ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर मोल्ड अगर एकदम सीधा खड़ा रहेगा, उसमें ऑस्किलेशन नहीं होगा, तो क्या होगा ना, जब आप मोल्टन मेटल डालोगे तो मोल्टन मेटल जो है ना ये मोल्ड के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, इसी में सॉलिडिफाई हो जाएगा, मोल्ड के साथ सॉलिडिफाई हो जाएगा, मोल्ड में चिपक जाएगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ऑस्किलेट कराते रहते हैं। ऑस्किलेट करने से क्या होता है, आपका जो मोल्टन मेटल है ना वो मोल्ड के साथ चिपकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये मोल्ड में जो मेटल है यहाँ पे जो मेटल है ना वो भी बाहर एक्सपोज नहीं होता, जैसे मोल्ड है तो इसमें आप जो लिक्विड डाल रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है, लिक्विड का ये वाला जो सरफेस है ना वो एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं होता। यहाँ पे डालते हैं मोल्ड फ्लक्स या कास्टिंग पाउडर, मोल्ड के ऊपर क्या डालते हैं, मोल्ड फ्लक्स या कास्टिंग पाउडर, तो वो कास्टिंग पाउडर क्या करता है, मोल्ड के ऊपर एक लेयर बना के रखता है, ठीक है। ये क्या है, बाहर के जो एटमोसफियर के जो गैसेस है ना उसको स्टील के कॉन्टेक्ट में आने नहीं देता है ना। उसके अलावा ये थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता है, जो कास्टिंग पाउडर है ना। कास्टिंग पाउडर को कहाँ डाल रहे हैं, मोल्ड के ऊपर, मोल्ड में जो मेटल है ना उसके ऊपर हम डालते हैं, ठीक है। देखिए ये मोल्ड हो गया, तो मोल्ड का ये मान लीजिए पूरा 100% है, तो मोल्ड के अंदर ना 90% तक, ये 90% तक क्या भरते हैं हम लोग, मेटल रहता है। उसके ऊपर क्या डाला जाता है आपका, इसके ऊपर हम डाल देंगे, इसके ऊपर डालते हैं कास्टिंग पाउडर ऐसे ऊपर में, ठीक है। तो कास्टिंग पाउडर का 2-3 फंक्शन है। एक फंक्शन मैंने बताया कि ये क्या करता है, बाहर के जो गैसेस है ना उससे स्टील को बचाता है। दूसरा थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। देखिए आपका ये वाला लेयर सॉलिडिफाई होना चाहिए, इधर का है ना, इधर आपको क्या बनना चाहिए, सॉलिडिफाइंग शेल बनना चाहिए, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ऊपर पोर्शन को सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, ताकि अगर देखिए आप थर्मल इंसुलेटर काम नहीं करेगा तो ऊपर वाला पोर्शन सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा, है ना, तो उससे प्रोसेस आपका हो ही नहीं पाएगा। तो ये थर्मल इंसुलेटर का काम करता है, हीट को अंदर बनाए रखता है। इसके अलावा और क्या करता है ये मोल्ड पाउडर, क्या है, चलिए इसके अलावा ये दो फंक्शन आप जान लीजिए। मैंने क्या क्या बताया, ये मोल्ड क्या है, ऑस्किलेट करते रहते हैं अपनी जगह पे, इससे इसमें चिपकता नहीं है। दूसरा क्या बताया मैंने, मोल्ड फ्लक्स या कास्टिंग पाउडर दोनों बोलते हैं, उसके बारे में बताया, ठीक है। और इसका एक दो फंक्शन है वो आगे और पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग जान लेते हैं बिलेट ब्लूम और स्लैब क्या होते हैं। देखिए बिलेट, अगर क्रॉस सेक्शनल साइज है ना, अगर जो आप कास्ट बना रहे हो, जो कास्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल साइज अगर यहाँ पे 300x300 होता है एक्चुअली में, है ना, 300x300 mm जो क्रॉस सेक्शनल साइज है, इससे अगर छोटा है क्रॉस सेक्शनल साइज तो उसको बोलते हैं बिलेट, ठीक है। और अगर इससे बड़ा है, जैसे यहाँ पे देखो ना 200x200 है, तो इसको बिलेट बोल रहे हैं, क्योंकि ये इसका हाइट है ना, ये हाइट और विड्थ दोनों क्या है, 200x200 है, तो हुआ बिलेट, ठीक है। तो 300 के नीचे रहता है तो 300x300 के नीचे तो बिलेट, और उसके ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं ब्लूम। जैसे इसका देखो, इसमें है 600x600 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लूम, ठीक है। इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, इसका लेंथ आपका 8-10 meters, जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस लेंथ में काट लेते हैं, ठीक है। ये हुआ बिलेट ब्लूम। तो बिलेट ब्लूम, बिलेट से आपका ये सब TMT वायर है, वायर रॉड है ना, एंगल चैनल, ये सारी चीज़ें बनती है। ब्लूम से जनरली आपका रेल की जो पटरी है वो आपकी बनती है, ठीक है। राउंड शेप होता है, राउंड शेप में जनरली कास्टिंग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा जो कास्टिंग करते हैं वो स्लैब के शेप में, जैसे ये स्लैब है आपका, देखिए स्लैब आप कैसे पहचानोगे, स्लैब पहचानने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि इसका थिकनेस कम होता है, जैसे थिकनेस है, लेकिन इसकी जो विड्थ है ना, जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको स्लैब बोलते हैं। स्लैब जनरली अगर आपको मेटल के प्लेट बनाने हैं या मेटल के शीट बनाने हैं ना, तब क्या करते हैं, स्लैब कास्टिंग करते हैं, फिर स्लैब की रोलिंग करके मेटल का प्लेट या शीट बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये आपका ब्लूम कास्टर को दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये क्या है, ये कर्व शेप पे ऐसे, तो यहाँ पे कर्व के लिए ना बेंडिंग करने का वो रहता है, उसको बेंड करता है। उसके बाद नीचे क्या होता है, स्ट्रेटनर लगे होते हैं जो इसको स्ट्रेट करते हैं। इस फोटो में देखो ये जो दिख रहा है ना, ये स्लैब है, ठीक है, ये क्या है, स्लैब, इसी को स्लैब बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है वो क्या है, आपका बिलेट है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब एक एक करके सबके फंक्शंस देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं टंडिश। तो टंडिश के मैंने अभी आपको बहुत सारे फंक्शन बताए थे, क्या क्या फंक्शन बताए थे कि टंडिश, तो देखिए टंडिश पहला क्या काम करता है आपका, देखिए यहाँ पे जो टंडिश हो जो होती है ना,
टंडिश जनरली क्या होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। तो टंडिश के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें से पहला फंक्शन ये है कि ये ऑक्साइड इंक्लूजन को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जो इंक्लूजन होती है ना उसको टंडिश के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, कुछ मटेरियल डालते हैं, वो जो है ना, जो इंक्लूजन जो होती है मेटल में, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जिससे स्टील आपका क्लीन बनता ही है। उसके अलावा क्या है, ये कंटिन्यूस फ्लो को बनाए रखता है मेटल में। आपको सीधा मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका लैडल है। ठीक है, लैडल से ये आपका श्राउड है, इसमें से मेटल क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है, टंडिश में आ रहा है। ये पोर्शन आपका क्या है, टंडिश है। ठीक है, ये टंडिश है। अब देखो, देखिए, एक टंडिश से आप 3-4 मोल्ड को मेटल प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे ये एक टंडिश है, ठीक है, तो टंडिश से इसमें से 2 मोल्ड को यहाँ पे मेटल जा रहा है, 2 या 3 को भी आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, तो टंडिश का ये भी एक रोल है कि आप अगर डायरेक्ट लैडल से देते ना तो केवल एक मोल्ड में दे पाते, उसके अलावा टर्बुलेंस बहुत सारा क्रिएट होता है ना। यहाँ पे क्या है, टंडिश से क्या फ़ायदा, आप 2 से 3 मोल्ड में एक साथ मेटल प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, मेटल इसमें सीधा कहाँ पे आ रहा है, आपका टंडिश में आ रहा है। तो टंडिश में देखो यहाँ पे स्टॉपर लगे हुए हैं, ये क्या करता है, टर्बुलेंस को तुरंत कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये हाई स्पीड से मेटल यहाँ पे आएगा तो ये क्या करता है, इसको यहाँ पे टर्बुलेंस को वो कम कर देता है मेटल के। ठीक है, इसके अलावा देखो ये यहाँ पे स्टॉपर रॉड लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपर रॉड। ठीक है, ये क्या करता है, स्टॉपर मतलब ये अगर नीचे है, देखो यहाँ पे नीचे मतलब ये बंद है, ये यहाँ से मेटल जा नहीं सकता है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपका ये मैकेनिज्म लगा है। ये क्या होता है, ये आपका सॉफ्ट फ्लोर होता है, ऐसे ये फ्लोर होता है, ये जो आपका मोल्ड है ना, ये आपका सॉफ्ट फ्लोर होता है। यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना हाथ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। अगर इसको आप नीचे खींचोगे ना तो ये जो स्टॉपर रॉड है वो ऊपर हो जाता है थोड़ा सा। जब स्टॉपर रॉड ऊपर होता है तो ये जो इसको गैप को बंद करके रखा है ना, ये थोड़ा सा खुल जाता है, क्योंकि स्टॉपर रॉड थोड़ा ऊपर चला जाता है तो इसके बीच में गैप आता है, तो गैप से क्या होता है, मेटल आपका यहाँ से मोल्ड में चला जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉपर रॉड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, वो फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कि मोल्ड में कितना मेटल आपको भेजना है। तो एक तो आपको ये टर्बुलेंस को रोक दिया, स्मूथ फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये टंडिश में जो कोई कवर लगी होती है, इसके अलावा टंडिश में मेटल के ऊपर भी ना एक मटेरियल डाला जाता है, वो इंक्लूजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा एक रिजर्वायर की तरह भी काम करता है, क्योंकि जब आप लैडल को चेंज करोगे उस समय क्या होगा, लैडर को जब चेंज करोगे तो आपका टंडिश में मेटल भरा रहेगा, वो लैडर को चेंज करते समय भी क्या करेगा, मोल्ड को मेटल प्रोवाइड करते रहेगा। ठीक है, फिर उधर लैडर चेंज होते रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका टंडिश जो है वो काम करता है। ये जो टंडिश होता है ना, वो स्टील का ही बना होता है और इसके अंदर रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग लगी होती है। तो हर प्रोसेस के बाद ना ये जो टंडिश होता है, टंडिश को क्या करते हैं, रिपेयरिंग किया जाता है। एक बार कास्टिंग में यूज़ होने के बाद इसको रिपेयरिंग करते हैं, उसके बाद इसका प्री हीटिंग करते हैं। देखो, स्टील मेकिंग में कहीं पे भी ना, किसी भी ठंडे लैडल में या किसी भी ठंडे कोई भी जगह पे लिक्विड मेटल को कभी नहीं डालते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ये जो टंडिश है वो ठंडे है, रूम टेम्परेचर में है, और इसमें आप अचानक से 1650 डिग्री सेल्सियस का स्टील इसमें डालते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, स्टील तुरंत चिल हो जाएगा। मतलब जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आएगा ना, स्टील यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, ये टंडिश को ना प्री हीट करना पड़ता है पहले से 1000 डिग्री सेल्सियस तक। प्री हीट करोगे 1000 तक तो ये 1600 डिग्री सेल्सियस का स्टील जब आएगा तो उसमें कोई चिलिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो यूज़ पहले इसको पहले क्या कर लेते हैं, प्री हीट कर लिया जाता है, फिर इसके अंदर इसको लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो आपको आगे टंडिश के बारे में समझ में, ये एक्चुअल में टंडिश का फोटो है, ये देखिए, ये टंडिश है, इसमें से मेटल आपका आ रहा है लैडल से। ठीक है, ये भी आपका टंडिश का फोटो दिखा रहा है, ये स्टॉपर रॉड को दिखा रहा है। स्टॉपर रॉड को काम क्या है, देखो ये जैसे ये टंडिश है ना, ये सबमर्ज्ड एंट्री नोजल है, यहाँ पे लगा होता है स्टॉपर रॉड। तो स्टॉपर रॉड ही फ्लो को कंट्रोल करने का काम आता है। जैसे आप नल में पानी कैसे कंट्रोल करते हो, वहाँ पे कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म है ना, वैसे ही स्टॉपर रॉड उसको कंट्रोल करता है। क्योंकि ये मोल्ड है ना, ये जैसे कि मोल्ड है, तो मोल्ड में जो मेनिस्कस लेवल होता है, जैसे हमको 90% मुझे रखना है मेनिस्कस लेवल को, मोल्ड का 90% तक मेटल भरा होना चाहिए। तो जो वहाँ पे जो वर्कर होगा, जो काम करने वाला जो भी वर्कर इंजीनियर होगा, वो कंट्रोल करके रखेगा और 90% मेनिस्कस लेवल को मेंटेन करेगा। तो मेंटेन करने के लिए उसको फ्लो को कंट्रोल करते रहना पड़ेगा कि 90% जो है ये लेवल आपका बना रहे। ठीक है, तो ये टंडिश के फंक्शंस एक बार और देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, इंटरमीडिएट वेजल बिटवीन लेडर एंड मोल्ड, लेडर और मोल्ड के बीच में क्या है, इंटरमीडिएट वेजल है ना, बफर कंट्रोल फॉर कंटिन्यूस कास्टिंग स्पीड है ना। तो कास्टिंग स्पीड को कंट्रोल करने का भी काम आता है, जैसे बताया ना स्टॉपर रॉड से आप मेटल फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो, है ना। तो मेटल आपको कितना देना है वो डिपेंड करता है कास्टिंग स्पीड क्या है। कास्टिंग स्पीड आपकी ज़्यादा है तो आपको
आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल भी ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा। तो कंट्रोल कहाँ से होता है, टंडिश से होता है। फिर रिजर्वायर ऑफ मेटल ड्यूरिंग लैडल चेंज, तो लैडल जब हम चेंज करते हैं तो एक रिजर्वायर की तरह काम करता है ये, है ना। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड स्टील टू मोल्ड विथ थर्मल केमिकल एंड डायनेमिक यूनिफॉर्मिटी, है ना। तो अभी मैंने बताया कि स्मूथ फ्लो प्रोवाइड करता है, यूनिफॉर्म तरीके से आप मेटल को इसमें भेज रहे हैं, टर्बुलेंस नहीं होता है वहाँ पे। अगर ज़्यादा टर्बुलेंस होगा तो मोल्ड में अच्छे से क्या होगा, आपका सॉलिडिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, फ्लोटेशन एंड सेपरेशन ऑफ नॉन मेटालिक इंक्लूजन। तो ये टंडिश में क्या होता है, मेटल का एक फ्लो एक लेवल बना रहता है ना। तो वहाँ पर जो इंक्लूजन होते हैं ना, ऊपर जाके स्लैग को ज्वाइन करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे स्टील क्लीन बनता है, क्लीन स्टील मिलता है अपने को। यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव स्टील क्लीनलीनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं मोल्ड फ्लक्स के बारे में, आप जान लेते हैं। मोल्ड फ्लक्स जैसे मैंने बताया ना कि ये देखिए इस डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका मोल्ड है, ठीक है। ये मोल्ड का लेयर है, ये वाला ये आपका मोल्ड का लेयर है, इधर है मोल्ड, ठीक है। मान लीजिए दोनों तरफ मोल्ड है, है ना। अब ये आपका क्या है, लिक्विड का लेवल, यहाँ तक सरफेस लेवल है इसका, लिक्विड का लेवल है ये यहाँ तक क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, देखो ये डाल रहे हैं हम लोग फ्लक्स पाउडर। तो जैसे मैंने बताया था ना कि फ्लक्स पाउडर डालते हैं मोल्ड में, जो मेनिस्कस लेवल होते हैं ना उसके ऊपर क्या डाला जाते हैं, फ्लक्स पाउडर डाला जाता है। इसको कई जगह कास्टिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एक लेयर प्रोवाइड करता है मोल्ड में। तो ये मेटल को क्या कर रहा है, बचा रहा है बाहर के गैसेस से। दूसरा थर्मल इंसुलेटर का काम कर रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, ये जो है ना मोल्डन जो ये फ्लक्स क्या होता है, ये फ्लक्स ना मेल्ट होकर के, ये फ्लक्स की मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी कम होती है, तो ये फ्लक्स ना मेल्ट हो गए, यहाँ पे एक लुब्रिकेटिंग फिल्म प्रोवाइड करता है। ये आपका स्टील का ये लेयर हो गया, ये स्टील हो गया आपका, है ना, ये आपका मोल्ड हो गया। तो इन दोनों के बीच में ये जो मोल्टन फ्लक्स है वो आ जाता है, ठीक है। ये मोल्टन फ्लक्स यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करता है, एक लुब्रिकेटिंग फिल्म की तरह काम करता है, ठीक है। लुब्रिकेटिंग फिल्म की तरह काम करता है। इससे क्या होता है, दो चीज़ होता है इससे ये होता है कि ये जो लिक्विड स्टील है इसके साथ चिपकता नहीं है, है ना। लिक्विड स्टील क्या है, मोल्ड के साथ चिपकता नहीं, अगर चिपक जाएगा तो कास्टिंग आपका रुक जाएगा, है ना। तो ये चिपकता नहीं है क्योंकि ये लुब्रिकेटिंग फिल्म प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि ये जो मोल्ड है ना वो क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है ऊपर नीचे। तो ऑस्किलेट कर रहा है तो क्या होगा, अगर ये लुब्रिकेटिंग फिल्म नहीं होगा और ये ऑस्किलेट करेगा तो क्या होगा, जो मेटल का जो सरफेस बनेगा ना उसमें आपका ये जो मोल्ड है इसके साथ अगर फ्रिक्शन करेगा तो इसमें आ जाएंगे स्क्रैचेस, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मोल्ड क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, तो जो मेटल का जो शेल बन रहा है सॉलिड शेल उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, है ना। तो ये लुब्रिकेटिंग फिल्म जो है उससे भी उसको बचाता है, दोनों चीज़ करता है, एक तो चिपकने नहीं देता, एक तो दूसरा उसमें स्क्रैच आने नहीं देता है, ठीक है। अब देख लेते हैं और यहाँ पे और अच्छे से पढ़ लेते हैं मोल्ड फ्लक्स का क्या का फंक्शन है। ये देखो ये बोला कि थर्मली इंसुलेट द मोल्टन स्टील, मोल्टन स्टील मेनिस्कस टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि ऊपर आपका सॉलिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अगल बगल सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, तो ये थर्मल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट द मेटल स्टील इन द मोल्ड फ्रॉम रिएक्टिंग विद एटमोस्फेरिक गैसेस, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। थर्ड क्या है, एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स ऑफ री या डी या रीऑक्सीडेशन फ्रॉम द मोल्टन स्टील। हाँ देखिए मोल्टन स्टील में भी जो भी ऑक्साइड प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि इंक्लूजन्स, तो इसको मोल्ड फ्लक्स भी क्या करता है, ये फ्लक्स है तो वो उन ऑक्साइड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जैसे सिलिका है, एलुमिना है, ये इंक्लूजन्स अगर है ना तो ये मोल्ड फ्लक्स अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है और अपने में मिला लेता है। तो स्टील इससे क्या हो जाता है, जो स्टील में जो इंक्लूजन है ना उससे कम होते हैं, ठीक है। तो इंक्लूजन कम करने का भी ये काम करता है। इसके अलावा अभी मैंने बताया लुब्रिकेटिंग फिल्म बनाता है ये, ठीक है, मेटल और मोल्ड के बीच में, है ना, ठीक है। तो ये इतने सारे इसके क्या हो गए, मोल्ड फ्लक्स के फंक्शंस हो गया। ये आपको यहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सारी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, है ना, बेसिसिटी इसका दिख रहा है। इसको आप थोड़ा सा एक बार पॉज करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक बार देख लीजिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपको यह मोल्ड। तो मोल्ड का तो मैंने आपको बता दिया, इसके बारे में आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखना है कि मोल्ड जो है वो किसका बना होता है, कॉपर का, और कॉपर के इंटीरियर में जो मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है वहाँ पर क्रोमियम और निकल के एक लेयर लगे होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कॉपर का ही यूज़ क्यों करते हैं मोल्ड बनाने के लिए। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना बहुत अच्छी होती है, सबसे अच्छी होती है थर्मल कंडक्टिविटी, है ना, इसीलिए हम कॉपर का यूज़ करते हैं। और ये चीज़ और ये भी पूछा जाता है कि ये पिघलता क्यों नहीं है, है ना। स्टील का टेम्परेचर अभी 1650 है और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1080 है।
तो ये पिघलता क्यों नहीं है? तो क्यों नहीं पिघलता? क्योंकि वाटर कूल्ड होता है, और दूसरा निकल और क्रोमियम की एक ऊपर में क्लेयर चढ़ी होती है। मेन तो यह है कि कॉपर कूल्ड होता है, इसके कारण ये पिघलता नहीं है, ठीक है। फिर मोल्ड ऑस्किलेशन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। मोल्ड ऑस्किलेशन जरूरी है ताकि उसके साथ चिपके मत। अब कूलिंग देख लो, कूलिंग तो मैंने आपको बताया ही था, एक प्राइमरी कूलिंग होता है, प्राइमरी कूलिंग मोल्ड में होता है, ठीक है। जब मोल्ड के कांटेक्ट में आता है ना मेटल, तो वहाँ पे जो कूलिंग होता है उसको प्राइमरी कूलिंग बोलते हैं। उसके बाद जो वाटर का स्प्रे कराते हैं बाहर, जस्ट जब निकलता है मेटल मोल्ड से, तो वाटर की बहुत हाई स्पीड में क्या होती है, स्प्रे, वाटर स्प्रे होता है, ठंडे वाटर का स्प्रे होता है ना, वो सेकेंडरी कूलिंग होता है। उसके बाद फिर और स्प्रे नहीं देते, उसके बाद वो अपने आप ठंडा होता है, ठीक है। उसको रेडिएटिव कूलिंग बोलते हैं, जो अपने आप ठंडा होता है बाद में। तो इस तरीके से ये है, ये स्प्रे लगा होता है ऐसे वाटर का पाइप जैसे, ये होते हैं स्प्रे, हाई स्पीड से ना मेटल पानी का स्प्रे करते रहते हैं मेटल के ऊपर, आपका जो भी बिलेट ब्लूम स्लैब है इसके ऊपर ऐसे वाटर स्प्रे करते रहते हैं ताकि वो जल्दी से ठंडा हो सके, ठीक है। ये बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग का भी मैंने आपको बता दिया। तो बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग के समय भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप उसको बेंड करते हो, अगर एक एक पॉइंट पे बेंड नहीं करते हो, जैसे बेंड करना भी है ना, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बेंडिंग हो रहा है, तो एक पॉइंट पे कभी भी बेंडिंग नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे रोल्स लगे होते हैं जो इसको धीरे धीरे उस बेंडिंग पोजिशन पर लाते हैं, ठीक है। कोई एक दो रोल्स अगर आप बेंड करना चाहोगे तो क्या होगा, आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपको पता है जो सॉलिड शेल है, क्योंकि अंदर तो लिक्विड ही भरा हुआ है, ऊपर केवल पतला सॉलिड का शेल बना हुआ है, तो सॉलिड शेल क्या हो जाएगा, अंदर दब जाएगा, क्योंकि उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो अलग अलग पॉइंट में बेंड किया जाता है उसको, ठीक है, बहुत सारे रोलर के थ्रू, है ना। उसके बाद आपका होता है स्ट्रेटनर, बेंड होने के बाद उसको स्ट्रेट भी करना होता है, तो स्ट्रेटनर का यूज़ होता है ऐसे। ठीक है, अब देखो कास्टिंग का स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट के बारे में देख लीजिए, क्या होता है, आपका जो मोल्डन मेटल है डिगेसिंग होके कहाँ आएगा, आपका टरेट में आएगा। टरेट में आपने लैडल को रख दिया, ठीक है, लैडल को रखे, उसके बाद आपने क्या किया, वो जाता है टंडिश में। लैडल में क्या होता है ना, एक स्लाइडिंग गेट बना होता है, आपका लैडल है, ये श्राउड है, तो श्राउड में ही पे स्लाइडिंग गेट बना होता है। ये स्लाइडिंग गेट को जैसे खींचते हैं मेटल इधर आने लगता है, ठीक है, वो जाता है टंडिश में, टंडिश से फिर वो जाता है मोल्ड में, ठीक है। और स्टार्ट कैसे होता है, मैंने आपको बता दिया कि डमी बार का हम यूज़ करते हैं, वो कास्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन को ना चालू करना ही सबसे, जो स्टार्टिंग जो होता है ना चालू करना, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। एक बार फिर चालू हो गया ना मशीन, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स उतनी नहीं आती है। यहाँ पे कुछ जो भिलाई स्टील प्लांट में जो स्लैब कास्टर है उसके कुछ डिटेल दिए हुए हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसको आप समझ लीजिए, आपको बहुत कुछ इससे समझ में आ जाएगा। जैसे मशीन का रेडियस कितना है, वहाँ पे जो स्लैब कास्टर है उसका मशीन का रेडियस है 12 मीटर, ठीक है। जो मशीन जैसे बताया ना आपको, एक कर्व ऐसा रहता है, तो कर्व का रेडियस का है 12 मीटर है, ठीक है। मोल्ड लेंथ कितना है, मोल्ड का लेंथ आपको 1000 mm मतलब 1 मीटर है, ठीक है। जो मोल्ड की जो लंबाई है कितनी है, 1 मीटर, तो 1 मीटर भी अच्छी खासी बड़ी होती है ना। 1 मीटर जो मोल्ड है, ये इसकी लंबाई कितनी है भाई, 1 मीटर है, ठीक है। मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड कितना है, 1.2 मीटर पर मिनट, है ना, मतलब 1 मिनट में 1.2 मीटर आपका स्लैब बाहर निकल रहा है, ये इसकी स्पीड है ना। देखने पे उतनी ज़्यादा भी स्पीड नहीं है, मतलब देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं भी होती है, स्लो स्पीड से होगी, क्योंकि आपके उधर क्या होता है, उसको सॉलिडिफिकेशन भी होना है, तो इस हिसाब से कास्टिंग स्पीड को मेंटेन करते हैं। तो ये होती है 1.2 मीटर पर मिनट की स्पीड से बाहर निकलता है। मेटलर्जिकल लेंथ कितना होता है, वो है 23 मीटर है, ठीक है, 23 मीटर है मेटलर्जिकल लेंथ। उसके बाद एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मोल्ड ऑस्किलेशन, जो मोल्ड ऑस्किलेट हो रहा है ऊपर नीचे, उस वो होता है 70 से 100 साइकिल पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। टंडिश की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी है यहाँ पे, 17 टन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। इसके अलावा ब्लूम कास्टर के भी यहाँ पर डिटेल है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। इसका रेडियस भी 12 मीटर ही है, मोल्ड का लेंथ भी 100 mm मतलब 1 मीटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये मेटलर्जिकल लेंथ मैंने आपको बता दिया है। आप थोड़ा सा देख लेते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, है ना, इंगट कास्टिंग से कैसे अच्छा है ये। देखिए कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन आज के समय में लगभग 90% से ज़्यादा जो स्टील प्लांट है ना, उनके पास कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन ही है। इंगट कास्टिंग मतलब आप मान के चलिए ना के बराबर है, है ना। आजकल छोटे से छोटे प्लांट भी कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। देखिए क्या क्या बेनिफिट है। पहला है कंसिडरेबल एनर्जी सेविंग। अब देखिए जैसे मैंने बताया ना, जब हम इंगट कास्टिंग करते थे तो इंगट बनता था, बहुत हेवी सेक्शंस का इंगट होता था। उस इंगट को
फिर रोलिंग करना पड़ता था। बहुत बड़े बड़े रोलिंग मिल्स होते थे, है ना, तो रोलिंग करने से पहले उसको गर्म ही करना पड़ता था इंगट को, तो उसके लिए हीटिंग पिट्स होते थे, रीहीटिंग फर्नेस होती थी, उस पर बहुत सारा फ्यूल लगता था उस इंगट को गर्म करने के लिए, 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता था। फिर जो रोलिंग मिल है, जो उसमें बड़े बड़े रोल्स लगे होते थे उस, है ना, वो रोल्स में क्या होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती थी, क्योंकि उतने बड़े इंगट को आपको रोल करना है ना। रोल करके फिर आप क्या बनाते थे, बिलेट ब्लूम और स्लैब बनाते थे, ठीक है। वही बिलेट ब्लूम और स्लैब हम कंटिन्यूस कास्टिंग से क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बना रहे हैं, ठीक है। तो आपका बीज का पूरा खर्चा बच गया, है ना, उसको आपको जो वापस आप उसको गर्म करते थे, रीहीट करते थे, उसका पैसा बच गया। उसके बाद उसका जो रोलिंग करते थे आप, रोलिंग में जितनी बिजली लगती थी उसका पैसा पूरा बच गया, है ना। तो ये पैसा और एनर्जी दोनों की सेविंग हो गई। दूसरी क्या है, इम्प्रूव्ड यील्ड, लेस एंड लेस स्क्रैप जनरेटेड, है ना। तो क्या होता था, जैसे रोलिंग करते थे ना इंगट की, जब रोलिंग करते थे, तो जब रोलिंग किया जाता है तो जनरली क्या होता है, जो आपका जो इंगट या कोई भी प्रोडक्ट है, बिलेट ब्लूम किसी की भी, जब रोलिंग किया जाता है ना, तो इसके पहले पोर्शन को और इसके आखिरी पोर्शन को काट दिया जाता है, क्योंकि जनरली ये शुरू का पोर्शन और लास्ट का पोर्शन क्या होता है, उसमें थोड़ी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो शुरू और लास्ट को क्या करते हैं, थोड़ा सा काट दिया जाता है। तो इंगट में जब इंगट के जब रोलिंग करते थे ना, तो शुरू के पोर्शन और लास्ट के पार्ट को काट देते थे, तो इससे क्या होता था, आपका स्क्रैप जनरेशन बहुत ज़्यादा होता था, है ना, मतलब मेटल वेस्ट हो जाता था, फिर इसको वापस आपको पिघलाना पड़ता था ले जाके एलडी कन्वर्टर में, है ना। तो स्क्रैप जनरेशन बहुत ज़्यादा था। स्क्रैप जनरेशन मतलब एक तरह से आपका क्या हुआ, आपने आपने जो बना बुनाया मटेरियल है उसको आप कचरे में डाल रहे हो, तो वो यहाँ पे बच गया, स्क्रैप जनरेशन यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। उसके अलावा थर्ड क्या है, इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, है ना। अब देखिए वही चीज़ है, जब आप उसको गर्म करते थे फिर जब रोलिंग करते थे, तो उसमें बहुत सारे लोग लगते थे, मैन पावर लगता था, तो वो सारा क्या हो गया, बचत हो गई, क्योंकि आप डायरेक्टली बिलेट ब्लूम और स्लैब बना रहे हो। फिर स्टील की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई। अब देखिए इंगट कास्टिंग जब करते थे ना, तो काफ़ी हेवी कास्टिंग होता था, तो इंगट कास्टिंग के केस में ना सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ना बहुत ज़्यादा था, तो जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जैसे ये लिक्विड स्टील है, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना, सेग्रीगेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है कि अलॉइंग एलिमेंट का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है। अब इतना बड़ा आपका कास्टिंग हो रहा है, तो अलॉइंग एलिमेंट के क्या हो जाता है, बीच में जितना लॉन्ग एलिमेंट है ना, बीच में आके पूरा सेग्रीगेट हो जाएगा, क्योंकि जो मिडिल पोर्शन होगा वो सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होगा, तो पूरा का पूरा आपका लॉन्ग एलिमेंट क्या हो जाएगा, बीच में आके इकट्ठा हो जाएगा, मतलब सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेग्रीगेशन के कारण क्या होता था ना, जो स्टील की क्वालिटी होती थी वो बहुत ख़राब होती थी, क्योंकि जहाँ पे आपका लॉन्ग एलिमेंट का सेग्रीगेशन हो रहा है वहाँ आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, और जहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, जैसे इस पार्ट में कोई सेग्रीगेशन हुआ, तो यहाँ पे यहाँ की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, तो इससे क्या होता था, स्टील की क्वालिटी ख़राब रहती थी, है ना। तो जब कंटिन्यूस कास्टिंग करते हैं ना, तो सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए सेक्शन साइज़ बहुत कम है, है ना, जैसे 300x300 mm का आपका क्रॉस सेक्शनल साइज़ है, तो वहाँ पे, और देखिए सेक्शन साइज़ भी कम है, दूसरा स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, सॉलिडिफाई होने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है ना, बहुत जल्दी सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूस कास्टिंग के प्रोडक्ट में नहीं आती है, है ना। तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो कंटिन्यूस कास्टिंग से जो प्रोडक्ट बनता है ना, जो बिलेट ब्लूम स्लैब है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा रिड्यूस पोल्यूशन देखिए, क्योंकि वही है, जब आप फर्नेस यूज़ करोगे तो फर्नेस चलाने के लिए आप कोई ना कोई फ्यूल तो आप डालोगे ना, या तो प्लांट के अंदर जो गैसेस जनरेट हो रही है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोकोवेन गैस, या फिर किसी जगह पे गैसेस नहीं हो तो ऑयल का यूज़ करते हैं, तो ये सब जलाओगे तो उसे ऑब्वियसली बात है उससे पोल्यूशन होगा, है ना। उसको रीहीट जब आप करोगे तो अगर रीहीट आपको नहीं करना पड़ रहा है तो आपका क्या हो गया, पोल्यूशन भी इससे कम हो गया। उसके अलावा रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया ना, क्योंकि आप कैपिटल कॉस्ट भी कम लगेगा, पूरा आप रीहीटिंग फर्नेस बैठाओगे, रोलिंग मिल बैठाओगे, तो उसमें जो पूरा नया रोलिंग मिल बैठाने का आपका खर्चा पड़ेगा, फर्नेस आपको लगाने का खर्च पड़ेगा, फिर उसको चलाने का खर्च पड़ेगा, तो ये सबसे आपको क्या हो गया, छुटकारा मिल गया कंटिन्यूस कास्टिंग के आने से, ओके। तो ये सारे इसके क्या हो गए, मेन बेनिफिट्स हो गए, ठीक है। तो देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो ये यहाँ तक का ये पूरा प्रिंसिपल था कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूस कास्टिंग के डिफेक्ट्स, है ना, क्या क्या कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं और हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ओके। तो हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।